देखिए आज हमारे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस रानी चटर्जी, और आज हम जानते हैं कि आज क्या कुछ चल रहा है दिलीप गुलाटी जी के स्टूडियो में। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले रानी, अभी मैंने गंगा गीता का बारे में सुना कि पिक्चर पैन इंडिया हो रहा है, क्या कुछ सच्चाई है बताएं। बिल्कुल, मेरी एक नई फिल्म आ रही है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, गंगा और गीता, जो पैन इंडिया के थ्रू, मतलब पैन इंडिया की तरह रिलीज हो रही है। इसका मतलब है कि 4 लैंग्वेज में हमारी फिल्म रिलीज होगी। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी भोजपुरी, अदरवाइज कन्नड़, तमिल, तेलुगु। सो मेरे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि भोजपुरी के साथ साथ अब साउथ के लोग भी मुझे देख पाएंगे एक्शन करते हुए, और मोस्टली एक्शन फिल्में बहुत चलती हैं वहाँ पर, फीमेल ओरिएंटेड एक्शन फिल्में बहुत चलती हैं, तो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। फिल्म का नाम है गंगा और गीता। गंगा गीता बॉलीवुड में कई फिल्में रिलीज हो चुकी है, क्या उस तरह की फिल्म है या कुछ अलग? गंगा गीता नहीं आई है, सीता और गीता आई है। अच्छा, सॉरी, सीता गीता आई है। हमारी ये पहली होगी गंगा और गीता। हाँ। गंगा और गीता टाइटल से ही लोग ऑलमोस्ट समझ जाएंगे कि ये डबल रोल है, लेकिन डबल रोल के साथ साथ अक्सर होता है कि एक एक सॉफ्ट होती है और एक एंगर वाली होती है, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें दोनों ही फुल ऑन एंगर वाली गर्ल्स हैं, गंगा और गीता। और बाकी तो कहानी जब फिल्म आएगी तब लोग देखेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। इस उम्र में कभी आपने फैमिलियर या दोस्तों के साथ कभी डबल रोल किया है क्या? इस उम्र में, मतलब जो आपकी अभी उम्र है, अब तक की जर्नी में, या क्या कभी आपने रियल लाइफ में कभी डबल रोल किया है? नहीं, ये रियल लाइफ में कैसे डबल रोल करेंगे, कॉमेडी कभी हो जाती है? रियल लाइफ में तो एक ही शख्स के 7 स्वर निकलते हैं, गुस्सा, एंगर, कॉमेडी, सब कुछ, तो वो एक ही मैं ही कर लेती हूँ अकेले। दिलीप गुलाटी के साथ कंटिन्यू कई फिल्में की है, क्या कुछ खास रहेगा इस बार? देखिए, दिलीप जी के साथ हमेशा से, एक्चुअली मुझे लगता है दिलीप जी के साथ हमेशा से अलग अलग तरह की ही फिल्म मैंने की है। सबसे पहले हमने की थी जोड़ी नंबर 1, वो एक डिफरेंट फिल्म थी, रोमांटिक कॉमेडी एक्शन ड्रामा फिल्म थी। उसके बाद फिर हमने की सावरिया की, सावरिया एक बड़ी इमोशनल फिल्म थी, इमोशनल एंड रोमांटिक। लेकिन मैं और दिलीप जी की जोड़ी ये जो पहली बार हमने थ्रू आउट एक्शन वाली फिल्म की है, जो जिसमें वो माहिर हैं एक्शन फिल्मों में, और नो डाउट मेरा भी एक्शन अच्छा खासा है, सो ये फ्लेवर की सब्जेक्ट हम दोनों का पहली बार आ रहा है, और तो डेफिनेटली बहुत ही। रवि किशन जी के साथ अभी फिल्म आई थी दिलीप गुलाटी की, अभी 2 नए लड़के देख रहे हो इस फिल्म में, जरा दोनों बार बताएं। मोस्टली मेरी फिल्मों में हमेशा से न्यू कमर्स ही होते रहे हैं, प्रेम और रवि दोनों ही टैलेंटेड लड़के हैं। हमने ही डिस्कस करके, दिलीप जी और मैं और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं कोमल जी, उन्होंने डिस्कस करके इन दोनों को फाइनल किया था इस फिल्म के लिए। नो डाउट दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि गंगा और गीता का जो कैरेक्टर है उसके साथ जो दोनों मेल एक्टर चाहिए थे, वो फुल ऑन सपोर्टर चाहिए थे उन दोनों कैरेक्टर्स को, तो दोनों ने बखूबी काम किया है। सूत्र से पता चला है कि इसमें गीत संगीत अमन श्लोक ने दिया है, जिसमें आपने खुद गाना भी गाया है। हाँ, एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी आती हैं कि एक्टर को अपनी आवाज़ देनी पड़ती है अपने गाने में। वैसे मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए राजी नहीं थी, लेकिन कोमल जी, अमन जी और दिलीप जी ने मुझे कहा कि नहीं, आप कर सकते हो, आप कर लोगे। उन तीनों का भरोसा काफ़ी था मेरे ऊपर, सो मैंने किया है कोशिश, आई होप अच्छा निकल के आएगा आउटपुट। पिक्चर का पोस्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, हम लोग ट्रेलर कब देख सकते हैं दर्शक हमारे? बहुत जल्द। वैसे भी मेरी ऑडियंस बहुत टाइम से मेरी फिल्म का वेट कर रही है, अभी बैक टू बैक मेरी फिल्मों के ट्रेलर्स आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मे बी गंगा और गीता का ट्रेलर लॉन्च होगा, आई थिंक 1-2 हफ्ते में ही होना चाहिए। इसके बाद क्या कुछ प्लानिंग है गुलाटी जी के साथ में? है, प्लानिंग्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा, वो इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि हर फिल्म के साथ एक नई न्यूज लेने के लिए आना पड़ेगा ना संजय, सो धीरे धीरे। तो अच्छा, ये बताएं और आपके साथ इसमें आर्टिस्ट कौन कौन है? इसमें मे बी विलन हमने यूपी के ही बहुत अच्छे एक्टर हैं उनको कास्ट किया था, और चूंकि फिल्म पूरी गंगा और गीता और जो दो हमारे मेल एक्टर हैं उनके ऊपर है, बाकी तो सपोर्टिंग रोल्स के लिए काफ़ी एक्टरों को लिया, और मैक्सिमम एक्टर हमारे यूपी से ही थे, सो मेन जो किरदार हैं वो ये 4-5 किरदार हैं। क्या कुछ उम्मीद है दर्शकों से, कुछ कहना चाहती हैं? ऑफकोर्स उम्मीद है, और आजकल अच्छी फिल्मों का दौर चल रहा है,
लोग कंटेंट वो इस फिल्म में देखना चाहते हैं. सो इस फिल्म में अच्छा कंटेंट है और चूँकि नारी शक्ति पे ऑलवेज पूरी टीवी इंडस्ट्री हो या फिर OTT प्लेटफॉर्म हो, नारी शक्ति से भरी पड़ी है. सो हमारी फिल्म भी नारी शक्ति से भरी पड़ी है. सो डेफिनेटली हमारी फिल्म से काफ़ी उम्मीद है हमें. थैंक यू सो मच. थैंक यू.